बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको अपने चैनल कुदरत ब्यूटी सीक्रेट में वेलकम कहती हूँ। जी व्यूअर्स, आज तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेके आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप मिनटों पर अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को उतार सकते हैं। और हाँ, इस मास्क से ना सिर्फ गैर ज़रूरी बालों के खात्मे में मदद मिलेगी, बल्कि धूल मिट्टी और जिल्द के लिए नुकसानदायक वामिल का भी खात्मा होगा। ख्वातीन के चेहरों पर अजाफी बाल बहुत ही बुरे लगते हैं और इनसे निजात के लिए वो काफ़ी पैसे भी खर्च करती हैं, लेकिन आज मैं आपको इससे निजात के लिए इंतहाई आसान नुस्खा बताऊंगी, जिसको इस्तेमाल करके आप मिनटों में अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बाल उतार सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। इसको एक दफ़ा ही के इस्तेमाल से आपके चेहरे के काफ़ी हद तक बाल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को देखने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक फॉलो करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उन तक पहले पहुँच सके। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। जो चेहरे के गैर जरूरी बालों से परेशान है तो वो मेरे इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी औरतें चेहरे पर उगने वाले गैर जरूरी बालों से परेशान रहती हैं, जो 35 से ऊपर की उम्र में और ज्यादा नुमाया होने लगते हैं। अक्सर ये होंठों से ऊपर और थोड़ी पर होते हैं, मगर कुछ खवातीन जबड़े, गर्दन और गालों पर उगने वाले बालों का भी निशाना बनती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इनकी रंगत और मोटाई ज़्यादा होती चली जाती है। तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के गैर ज़रूरी बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इन गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा चाहते हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा है। इसको इस्तेमाल करके आप आसानी से अपने चेहरे के बाल उतार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल कुदरत ब्यूटी सीक्रेट, इसको सब्सक्राइब करें और ये साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए जो हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है अंडे की सफ़ेदी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद, 2 और लास्ट में जो इस नुस्खे में ऐड करेंगे वो है दूध। 2 चम्मच दूध इसमें ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके मास्क बना लें और अब इसे चेहरे पर आधे घंटे तक लगा रहने दें। चेहरे पर आधे घंटे तक लगा रहने देना है। फिर नीम गरम दूध में रुई भिगोकर इसकी मदद से आपने ऊपर से नीचे की जानब मास्क उतारना है। ऊपर से नीचे की जानब आपने मास्क उतारना है। जब मास्क उतर जाए तो फिर नीम गरम पानी से अपना चेहरा धो लें। जैसे ही आप ऊपर से नीचे ये मास्क उतारेंगे, आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का नुस्खा है। इसको आपने हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3 दफ़ा के इस्तेमाल से आपके चेहरे के बाल ख़त्म हो जाएंगे। आजमा कर देख लें, ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है और बहुत आसान। इसमें कोई महंगी चीज़ें नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिनको इस्तेमाल करके हम घर में ही अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बाल उतार सकते हैं। तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नुस्खा अच्छा लगेगा और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही आप दूध में रुई भिगोकर उसकी मदद से ऊपर से नीचे की जानब मास्क उतारेंगे, तो आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करें और अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बाल मिनटों में ख़त्म करें। उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूवर्स को मेरा ये नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से नीचे ये रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।